अखिलेश यादव चुनाव के वक्त सपा के खिलाफ बगावत करने वाले विधायकों की घर वापसी के मूड में नहीं है। पार्टी अब उनकी सदस्यता खत्म कराने की तैयारी में है। इस संबंध में जल्द यूपी विधानसभा अध्यक्ष को पत्र भेजा जाएगा। सपा के बागी विधायकों में मनोज पांडे, अभय सिंह, पूजा लाल, राकेश पांडे, राकेश प्रताप सिंह, विनोद चतुर्वेदी और आशुतोष मौर्य शामिल हैं। इनमें अधिकांश ने राज्यसभा चुनाव में भाजपा के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की। लोकसभा चुनाव के दौरान कुछ विधायक भाजपा में शामिल हो गए। जब नतीजे आए तो भाजपा के साथ साथ इन बागी विधायकों को भी झटका लगा, क्योंकि ये भाजपा को उम्मीद के मुताबिक वोट नहीं दिलवा पाए। इस बीच इन विधायकों की घर वापसी की चर्चा शुरू हुई तो अखिलेश यादव ने सिरे से नकार दिया। बागी विधायकों में पल्लवी पटेल भी हैं। पूर्व विधायक नारद राय ने एन वक्त पर बलिया में भाजपा का दामन थाम लिया। इसके बाद भी सपा ने बलिया सीट जीती। इन सबसे खफा अखिलेश किसी को वापस लेने के बिल्कुल मूड में नहीं है। अखिलेश का विधायकों से मिलने से इनकार। इस बीच सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने एक्स पर लिखा, राज्यसभा चुनाव के समय समाजवादी पार्टी से धोखा देने वाले गद्दार विधायक कल परिणाम आने के बाद अखिलेश यादव को माफी देने का संदेश भेज रहे हैं कि एक बार माफ कर दीजिए, एक मौका दीजिए। कुछ करीबियों से पैरवी कर माफी मांगने के लिए समय दिलवाने की गुजारिश कर रहे हैं। उन्होंने लिखा, अखिलेश यादव ने गद्दार विधायकों से मिलने से इनकार किया और पैरोकर को सुनाई खरी खरी। हालांकि अखिलेश ने खुद भी इन बागियों के प्रति अपना रवैया रायबरेली में ही साफ कर दिया था, जहां उन्होंने बागियों को निशाने पर लिया था। सुनने में आया है कि हमारा दूसरा धोखेबाज भी वहीं चला गया है। और ये जो अभी अभी गया है धोखेबाज, उसकी खासियत है, जो अभी अभी धोखेबाज गया उसकी एक बहुत अच्छी खासियत है कि वो जहां जाता है वहीं गड्ढा खोदता है। इसलिए सावधान हो के नहीं हो, आपके एक वोट से, आपके एक वोट से लाखों वोट से तो राहुल गांधी जी जीतेंगे ही जीतेंगे, लेकिन इन धोखेबाजों से भी हिसाब किताब होगा। मैंने सुना है कि कोई धोखेबाज जो समाजवादियों को धोखा दे करके अपने घर पर दो नंबर वाले नेता को बुलाया था, कौन से नंबर वाले नेता को? अरे भाई, मैं नहीं बोल सकता, दो नंबर ही नेता। बता दें कि मनोज पांडे लगातार तीसरी बार ऊंचाहार से सपा के विधायक हैं। उनका क्षेत्र रायबरेली लोकसभा सीट में आता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक रायबरेली में मनोज पांडे की घर जाकर मुलाकात की। इस दौरान दिनेश प्रताप सिंह उनके साथ थे। मनोज पांडे खुद बीजेपी में शामिल नहीं हुए, लेकिन उन्होंने अपने भाई और बेटे की एंट्री बीजेपी में जरूर करा दी थी। मनोज पांडे ने रायबरेली के साथ साथ अमेठी क्षेत्र में भी बीजेपी के लिए प्रचार शुरू किया था। ऊंचाहार विधानसभा क्षेत्र के जगतपुर और रोहिनिया इलाके के बाद अब अमेठी के सलोन क्षेत्र में ब्राह्मण समुदाय के कई दौर की बैठकें भी की। ये बैठक बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी के लिए समर्थन में है। मनोज पांडे की ब्राह्मण वोटों के बीच अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है। बीजेपी के पक्ष में उतरने से ब्राह्मण वोटों का झुकाव बीजेपी की तरफ होने की उम्मीद मानी जा रही थी, लेकिन इन सब के बावजूद स्मृति ईरानी को किशोरी लाल शर्मा ने बड़े अंतर से मात दे दी, जिसके बाद स्मृति ईरानी समेत सपा के बागी विधायक भी अब घुटनों पर नजर आ रहे हैं।